तो अभी वो चूज कर रही है कौन सा ले कौन सा ले ऐसा। ये दोनों इंडियन स्टोर से शॉपिंग करके आ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मैं हूँ फैनिल और आप देख रहे हो ट्रैवल विद कैनिल। तो गाइस, अभी हम निकल गए हैं कवन भाई की सीक्रेट जगह पे। वो है एक बढ़िया सा बीच, ऐसा बोल रहे थे वो। तो हम गाइस जा रहे हैं, बढ़िया सा मौसम है और हमारे ड्राइवर बेल्ट पहना नहीं है। हाँ पहन लो, पहला सेफ्टी फर्स्ट। और हम जा रहे हैं कौन सी जगह पे, साउथ ऑकलैंड में, पता नहीं नाम, जगह नहीं पता, मीन्स भाई को भी नहीं पता। तो जा रहे हैं, फॉलो करेंगे कवन भाई को और पहुँचेंगे। और गर्ल्स को पीछे बिठा दिया है, बताइए क्या बोलना चाहते हो? बस हम एंजॉय करने वाले हैं। हाँ। देखते हैं कैसा रहता है, सब आपको दिखाएंगे। बोर होंगे तब भी बताएंगे, मजा आएगा तो भी बताएंगे। पर आज तो हमारा पूरा ग्रुप है, मतलब बोर तो हम घर पे रहेंगे हम तो भी नहीं होंगे, इसलिए मजा ही आने वाला है। अभी हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर, क्योंकि घूमने जाने से पहले हमें लेना था फैनिल के सनग्लास, उसको देखने थे, तो वो देखेगी, उसको पसंद आएंगे तो लेगी। ये देखिए गाइस, सब फैनिल गॉगल्स देख रही है अभी। देखो प्रॉब्लम है उसको, आंख में लाल हो जाती है धूप में जाती है ना, तो अभी अच्छे से ढूंढ रहे हैं। उसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ आंख में कि आंखें लाल हो जाती है जब भी सनलाइट डायरेक्टली आइस में आती है ना, तो अभी वो चूज कर रही है कौन सा ले ऐसा। मीत भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा चश्मा मिल रहा है, चश्मे बहुत अच्छे मिल रहे हैं ना। और ये फैनिल को ही लेना था लेकिन इन दोनों ने भी ले लिया साथ साथ में। दिखाओ आपके चश्मे कैसे है, ये नए, ये वाले नए लिए? नहीं, ये पुराने वाले थे। तो पुराने थे तो नए क्यों लिए? मेरी आंखों को ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि यहाँ पे ओजोन का लेयर थोड़ा सा कम है, तो मैं धूप में जाती हूँ तो मेरी आंखें लाल और बहुत जलन होती है। तो इसमें क्या है? तो ये पोलराइज्ड है, वो किशन ने बताया, कुछ समझाया मुझे कि इससे वो तकलीफ नहीं होगी, वरना यूवी प्रोटेक्टर। हाँ, यूवी प्रोटेक्टर है। ये ले लिए, नए लिए आपने ये वाले? ये नए लिए। ओके, ये भी मैंने नए लिए। ओके, हाँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक ऐसी तकलीफ रहेगी ना तो आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें लेने पड़े आज। ओके गाइस, इतना ठंडा लग रहा है ना, ऐसे तो नहीं होता है। ये देखिए गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये कॉलेज, ये वाला और ये वाला कैंपस, ये बंसी कुमार की कॉलेज है, मनोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कवन भाई भी एक कॉलेज में पढ़े हैं लेकिन दूसरे कैंपस में। ये मनोका कैंपस है कवन, जहाँ पर बंसी कुमार अभी स्टडी कर रहे हैं। और पीछे है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। आज हमें ऑकलैंड में और ऑकलैंड सीरीज का ये दूसरा व्लॉग है, तो हम यहाँ पे आज बीच साइड पे आए हैं, सब फैमिली है, बहुत मज़ा आने वाला है। हमने यहाँ पे कैंप साइट किया है, लाइक गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ पे हम सब बैठ के एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा वॉक करेंगे बीच पे और आपको भी एंजॉय करवाएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक, एंड तक, जैसे हम बीच पे हम कैसे एंजॉय करते हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे और मज़े भी करवाएंगे। और अगर आपने हमारे आगे के व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और कल का हमने जो स्काई टावर पे फायरवर्क्स होता है जो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में, वो भी हमने रखा है आगे व्लॉग में, तो वो भी जाके देख लीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो
ब्लू 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 क्या आपके कपड़े ब्लू वाटर पानी ब्लू आकाश भी ब्लू सब कुछ ब्लू चश्मा भी ब्लू पीछे भी दोनों ब्लू यहाँ से देखो पूरा नीचे जा रहा है ये भी गिर सकता है कभी भी दो आप अरे साउंड इफेक्ट आप पंगा पड़वा मैं तो अभी तो गाड़ी रुकी है चप्पल भी नहीं पहने और बोले फोटो तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे ये देखो ये सब यहाँ पे टेंट लेके आ गए हैं बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपना हॉलीडे टाइम्स और ये कुछ है किशन क्या है उत्तरायण आ गई है ना उत्तरायण आ गई है यहाँ पे वो हार्ट का बलून वैसे डोरी में बांध के ऊपर चढ़ाया हुआ है ना अभी वो दूसरा भी था काइट है ना लेकिन वो फंस गया था हाँ वो फंस गया कर रहा है अभी मछली वाला है वो मछली वाला है हाँ मुझे देखना है ओ बच्चे तो देखो कितना मजा कर रहे हैं नीचे बीच भी है हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में कितना बढ़िया है बहुत नहाने का माहौल नहीं है नहा नहीं सकते हाँ गंदा बीच है गंदा नहीं मतलब वो एल्गी होती ना लील लील वो होती है हाँ और वो तो पानी में होगी ना उसे गंदा नहीं बोलते हाँ पानी भी है लेकिन देखो हाँ, आगे की तरफ देखो माटी वाला हाँ मिट्टी वाला हाँ, है ऐसा इसीलिए नहीं तो वैसे नहीं होता मतलब कोई कोई बीच ऐसे होते हैं जहाँ पे मिट्टी होती है हाँ, इसीलिए ऐसा होता है ये देखो ये दिख रहा है वाव क्या माहौल है ऐसे गए थे क्राइस्टचर्च में मैं था कभी एक दिन गए थे ऐसे पार्क में गए थे लेकिन बीच वहाँ पर बहुत दूर था और बहुत ये शांत है ना हाँ। शांत नहीं था और ये अच्छा है शांत है और ओ, ओ, सामने ये जगह भी हाँ देखो गाइस तो गाइस अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं खेलना है टीम 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 हो गई है हाँ। दो टीम हुई एक में मैं मिनित भाई श्रेया एंड फेनिल और मैं कहाँ हूँ आप कौन भाई के साथ में oh. मजा आएगा अभी देखो गाइस अभी स्टार्ट हो रही है क्रिकेट आप सब गलत जगह पे खेल रहे हो ये श्रेया बैटिंग कर रही है और मिनित भाई फील्डिंग कर रहे हैं नहीं नहीं मिनित भाई हम सब की एक टीम है तू मैं मिनित भाई हम सब एक टीम में हैं मारवन लाइक खाली ओके और ये सिखा रहे हैं ये सिखा रहे हैं एक ऐसा ऐसा रखा है रूल्स में दिखा देता हूँ फैनी तू भी सुन लेना कि ये दिख रही है लाइन के बाहर जाए बॉल तो आउट एक बार बैट को टच करोगे तो एक रन और ये जड़ के बाहर जाए तो आउट और एक एक हाथ से कैच करोगे तो चलेगा तो आउट अरे अरे आउट ना थी ये किशन की बारी आ गई है तो पड़ा ना ए ओ लियो छूट गया बच गए ओके आओ गया चार रन
अभी फैनिल का दाव आ गया है और कौन भाई की बॉलिंग देखते हुए आउट आउट हो गए, ये आउट हो गए, आउट हो गया। पाथा बेचे ना बड़ो ना जब तक क्या नहीं मिनिश भाई की बारी आते हुए वाइट बॉल अभी की बॉलिंग देखते हुए पांच रन। ये भाभी का दावा आ गया है। मिनिश भाई बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिए गाइस हम नीचे आ गए हैं बीच पे। कितने सारे क्या है छिपले हाँ शंख और छिपले सब। और यहाँ तो सबने यहाँ पे बोला कि जब पानी नजदीक सुबह में आए तो यहाँ तक पानी था, ये सब चला गया पीछे, बहुत पीछे चला गया। बच्चे खेल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा है, वो खोल सकता है अच्छा खासा। वहाँ पर लोग घर बीच पर है, पूरा बीच के ऊपर देखो, आगे तो देखो कितने हाउस है। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं रहता लेकिन बहुत लोग रहते हैं। चलो तो फिर आगे जो होता है दिखाते हैं। हम अभी निकल रहे अभी हम तो बीच पे से। ठीक है गाइस, ये देखो गाइस हम थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं लोटस सुपरमार्केट ऑकलैंड में। यहाँ पर तरबूज भी है, पाइनएप्पल है, सब फ्रूट वेजिस एवरीथिंग। जैसे हमारे इंडिया में मिलता है वैसे सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जरूरी है सर, मूंग की दाल खिचड़ी बनाने के लिए, और वो भी जमीन भाई की फेवरेट खिचड़ी बना। जमीन भाई उस दिन उपवास करते हैं, जिस दिन खिचड़ी बनाते हैं फैनी उस दिन जमीन पे उपवास करते हैं, तो फैनिल को और कुछ भी बनाना पड़ता है। खिचड़ी बनाओ, मैं बोलती हूँ ना जमीन भाई को कि आज खिचड़ी बनाएंगे, तो कि हाँ मारू ना बनाऊता हूँ बाहर जमीन भाई। उसका मतलब होता है कि मेरा मत बनाना, मैं बाहर खा लूँगा कुछ, ऐसे बोलते। देखो गाइस ये दोनों इंडियन स्टोर से शॉपिंग करके आ चुके हैं, मतलब ऑनलाइन आए हैं, शॉपिंग ना करें वो हो नहीं सकता। सारी तो लेनी ही लेनी है। ऐसा सोचो कि ये स्पेशली शॉपिंग के लिए ही आते हैं और घूमने के लिए ही आते हैं इधर, ग्रोसरी लेने ही क्या क्या है वो बैग है हमारी शॉपिंग वाली। मार्केट हम जहाँ भी जाते हैं शॉपिंग ही करते हैं बस, और घूमते रहते हैं। हम अभी आ गए हैं किशन के फ्रेंड के घर पे, यहाँ पे इनविटेशन था तो नए घर में। तो गाइस हम आ गए हैं इनके घर पे, अब पहचानते हो इनको, जो पहचानता है वो कमेंट करें। ये विशाल भाई है, ये हर्ष भाई है, और ये मूडो पीछे पलट श्रद्धा है, मासी मजा हो रहा। ये हर्ष भाई की मम्मी है, ये हर्ष भाई की मम्मी है, और ये इनका नया घर है। सबने नया घर ले लिया ना, है ना, बहुत अमीर है। हाँ इनको तो आप जानते ही होंगे, पहचानते हैं सब। वो अंकल है, हर्ष भाई के पापा है, और ये हमारे लिए बन रही है, क्या बन रही है पता नहीं है मुझे, बन जाए पछे नाम दो सही है। फिर बहुत ही बढ़िया घर है, हाँ 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 हाँ, वॉट अ व्यू, सनसेट पॉइंट, वाव। अभी ये घर सब नए बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, वॉट अ कलर।
तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं, अभी खाना वाना खाएंगे और कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हमारी मजाक मस्ती ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता हो और आप हमारी लाइफ और यहाँ की न्यूजीलैंड की लाइफ देखना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो गाइस हमें सैंडविच मिली है आज खाने में और इतनी टेस्टी है, थैंक्स टू आंटी और श्रद्धा, और स्पेशली समोसे, छोटू समोसे। क्या खेल रहे हो किशन? काली तीरी। ओके, दो टीम है लेकिन किसी को पता नहीं कि मेरी टीम कौन सी है। तो कैसे पता चलेगा? वो बाद में एंड में पता चलेगा। ओके, कि कौन मेरा पार्टनर था ऐसा। ओके, मतलब कहीं पे लिखा होता है ऐसा कि ये मेरा पार्टनर, ये मेरा पार्टनर, मेरा पत्ते दिखा दो। ओके, ये वैसे कि कैसे हो अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ये सब आता नहीं है। तो अगर जिस किसी को ये खेलना आता है, जिस किसी को भी पता है, वो लाइक करे और कमेंट जरूर से करे। तो गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन, हम जा रहे हैं वेलिंगटन वापस और ये ट्रिप बहुत यादगार हुई है। अभी मतलब बैक टू बैक हम मिले हैं पर अभी थोड़े दिन के लिए नहीं मिलना होगा ना। क्या क्या आना है नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ आना पड़ेगा, मे बी मेरी पार्टी, या फिर आप सबको वहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, बीच में मिलते हैं, कुछ करते हैं ऐसा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, टेक केयर।